हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री जोन, जिसमें कि कटअप जो है 2019 में बहुत ही कम जाने वाला है और यहाँ पे काफ़ी कम नंबरों में, आप कह सकते हो कि 30 से 40 नंबरों में इस तीनों जोनों में सिलेक्शन की 100% सियोरिटी के साथ चांसेस है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। अगर आपने भी इन तीनों जोनों से अप्लाई किया होगा तो आपका 100% सिलेक्शन जरूर हो जाएगा काफ़ी कम कटअप में। दोस्तों देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा रिक्त पदों की भर्ती हो रहे हैं, जिसमें लगभग 1,03,00,000 छात्रों ने आवेदन दिया है। कुछ रेलवे जोन में छात्रों की संख्या अधिक है, जबकि कुछ रेलवे जोन में कम आवेदन आया है और रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई में सबसे कम आवेदन आया है, जो कि मुंबई मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे टॉप वन जोन जो है वो मुंबई है, जहाँ पे काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आवेदनों की संख्या काफ़ी कम है। दूसरे नंबर पर दोस्तों रखा गया है, एक सीट पर सबसे कम आवेदन आने के मामले में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई जो है ये दूसरे नंबर पर रखा गया है, जिस कारण रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई का कट ऑफ कम मार्क्स पर कम रहने की संभावना है। और तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे कम एक सीट पर जो आवेदन आने की संख्या है ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता, ये तीसरे नंबर पर रखा गया है, जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है। तो दोस्तों इन तीनों जोनों से अगर आपने आवेदन किया होगा तो आप बहुत लकी हो और आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे काफ़ी कम में हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।